पाटीनगर से 5 किलोमीटर दूर पुजारा फलिया चौकलिया में देर रात पशु बाड़े में बंदी बकरियों पर अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर दिया। पशु बाड़े में बंदी 13 बकरियों की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाया। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों ने भी बकरियों का पीएम किया। पुजारा फलिया चाकलिया निवासी बकरी भीम सिंह अलावे ने बताया कि घर के पास ही बने पशु बाड़े में उसने बकरियों को बांध रखा था। रोज की तरह शुक्रवार की शाम को भी पशु बाड़े में घर 15 बकरी बांधी हुई थी। शनिवार की सुबह पशु बाड़े में जाकर देखा तो 15 में से 13 बकरी मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसमें 11 बकरी पशु बाड़े में व 2 बकरियां घर पड़ी हुई थी। साथ ही बॉस की लकड़ी से बनी दीवार में छेद था, वहीं से जंगली जानवर पशु बाड़े में घुसकर बकरियों का शिकार होगा। बकरी मालिक ने सरपंच सहित आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी। इसके बाद सरपंच प्रतिनिधि सुभाष पटेल व पंच सुनील घटनास्थल पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के वनपाल प्रवीण राणे मौके पर पहुंचे और मृत बकरियों का पंचनामा बनाया है। साथ ही पशु चिकित्सा विभाग की डॉक्टरों की टीम ने मृत बकरियों का पीएम किया। फिलहाल बकरियों का शिकार किस जानवर ने किया है इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं अज्ञात जंगली जानवर के पशुओं पर हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि अज्ञात जंगली जानवर ने गरीब किसान की बकरियों पर हमला कर मारा है, जिससे बकरी मालिक को 1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देना चाहिए, जिससे नुकसानी की क्षतिपूर्ति हो सके। साथ ही क्षेत्र में लगातार अज्ञात जंगली जानवर द्वारा पालतू जानवरों पर हमला किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उचित समाधान किया जाना चाहिए, ताकि अज्ञात जंगली जानवर पर पालतू जानवर या ग्रामीण पर किसी भी तरह से कोई हमला नहीं करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है, ग्राम चकलिया। क्या घटना हो गई है बकरियों की मौत? दरवाजा लगा के सो गया था घर में, सुबह उठ के देखा तो मरी पड़ी हुई थी। 15 बकरी थी, 2 घायल है, 13 मर गई, खत्म हुई थी। में से 2 बाहर पड़ी हुई थी, बाकी अंदर। सुबह कहाँ बांधी हुई थी? हेलो, वाड़े में। उसके बाद मैंने गांव वालों को बोला, गांव वाले ने सब देखा, फिर वन विभाग का वो भी आ रहा, पंचनामा बना रहे। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा 1 लाख का, कम से कम 1,10,000 का हुआ। तो मुआवजे की मांग करते हो? हाँ, क्या बोलूं, मैं शासन से मांग करता हूँ कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। आपका सुनील कहाँ रहते हो? चाकलिया। ये क्या बकरियों की मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? सर, ये इसके यहाँ बकरी की मौत हो गई था, तो सोचना सुबह मिली तो हम आए देखने, देख के ने वो तो बताया था किसी को। कितनी बकरियाँ थी सर? टोटल तो ये 15 है, 15 में से 13 तो मर गई। कितनी बची है? 2 बचे सर। क्या स्थिति है उनकी? क्या अभी कमजोर है सर, क्या मालूम, भगवान मालिक। बाकी की बकरियां कहाँ पड़ी हुई मिली? अंदर घर में, मकान में है अभी। बाहर कितनी बकरियां मिली? बाहर 2। कितना नुकसान हो गया है सर? इसका टोटल मान लो 1,10,000 का लगभग से ऊपर हुआ, लेकिन इतना तो मौत से। चलो, क्या क्या मांग करते हो सर? अभी कहीं भी सरकार से कहीं भी लाभ उठा सकते सर? अभी अब क्या मांग सरकार से? मुआवजा, नुकसान हुआ तो सरकार से मांग कर सकते हैं, उसको मुआवजा मिलाना है अभी।